हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग मूविंग एवरेज मेथड की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इसके बाद मैं आज को रात में 11 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ। आप लोग के इसके जो प्रीवियस ईयर के का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो आइए, टेक अ 5 ईयर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। टेक अ 5 ईयरली पीरियड ऑफ अ मूविंग एवरेज एंड डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म क्या है आइसोलेशन ऑसिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो हमको क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे इयर्स दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इयर्स है, प्रोडक्शन है, ठीक है। कब से स्टार्ट है, 2003 टू 2014। अब हमको क्या क्या बोला है, मूविंग एवरेज मेथड डिटरमाइन हमको क्या करना है, ये डिटरमाइन करना है क्या है, शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस, ठीक है, ये करना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, 5 ईयरली मूविंग बोला है, दैट मीन्स क्या है, क्या 5 5 पर क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, क्लियर है, ठीक है। अब करना कैसे है, ठीक है, इयर्स लिख लो। ये देखो यहाँ पे पूरे इयर्स, जैसे 2003 टू 2014 तक के इयर्स लिखे हुए हैं, इनका प्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है, 5 ईयर की टोटल करनी है। एक कॉलम टोटल का बनेगा, एक एवरेज का बनेगा और क्या बनेगा, एक शॉर्ट टर्म। अब मुझे बताइए शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म ओसिलेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसका, सबको याद है फॉर्मूला, वाई माइनस वाई सी होता है। और वाई हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और वाई सी कैसे निकलता है, जब हम क्या करते हैं, वाई सी कैसे निकलता है, याद है क्या फॉर्मूला, 1a प्लस ब्रैकेट में टाइम डेविएशन इंटू रेट ऑफ ग्रोथ, जो शॉर्ट टर्म जो होता है वही होता है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। बट अब हमको क्या किस पे पूछा है, 5 ईयरली पीरियड्स के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर पूछा है। तो बहुत सिंपल है, करना क्या है, ये जो y है, y तो हमारे पास है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, yc। और yc हमारा नथिंग बट हमारा क्या है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, 5 ईयरली क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अब टोटल को लिखेंगे कहाँ, ये हो गया हमारा 5 ईयर का ग्रुप, ठीक है। तो इसकी टोटल यहां से 14 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 26 कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना, 107 आ जाएगा। अब ये 107 लिखना कहाँ है, इसका जो भी मिडिल ईयर आएगा, ठीक है, इनका मिडिल ईयर कौन सा है, 2005, मतलब 2005 के इसमें लिखना है हमको क्या, 107, ठीक है। ऐसे करके फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा बनेगा, ये 5 ईयर बना, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, 2005 टू 2009 बनेगा, ठीक है। ऐसे करके क्या बनेंगे हमारे, 5 5 ईयर की हमको क्या कर लेनी है, टोटल एक कॉलम बना लेना है, टोटल कर लेनी है। और उसका क्या कर लेना है, फिर हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल है डिवाइड बाय नंबर्स, तो नंबर्स कितना है हमारा, 5, ठीक है। तो 5 हो गया, कितना आ गया, 21.4। फिर इसको भी ट्रिपल 1 को मैं डिवाइड करूँ किससे, 5 से, तो कितना आ गया, 22.2। देन मैं फिर क्या कर रही हूँ, फिर से डिवाइड कर रही हूँ किसको, 114 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो कितना आ रहा है, 22.8। ऐसे करके पूरा सबको क्या कर लेना है, 5 से डिवाइड कर, दैट मीन्स हमको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना सबको आता है, ठीक है। ये आगे हमारा क्या हो गया, ये वाला एक्चुअल में हमारा ये है क्या, वाई सी होता है। अब सिंपल है, वाई ये हमारा वाई है, प्रोडक्शन हमारा क्या है, वाई है, वाई में से माइनस, वाई से माइनस करो मतलब 22। अब आपको लेना कैसे, इसलिए मैं बोलता कि बराबरी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, मिडिल ईयर की इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, मिडिल ईयर की इसमें आपको लिखना है, तो कौन से माइनस होगा, 2005 से होगा, ठीक है। 2005 का प्रोडक्शन कितना है, 22 माइनस कितना होगा, 21.4, कितना आ गया, 22 में से 21.4 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 0.6। ऐसे आपको फिर 28 को माइनस करना है 22 से, 0.2 से, 26 को 22.8 से, 18 को 23.2 से, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही करना है, क्लियर है। कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। चलो, टिल बाय एंड टेक केयर, अभी हम लोग बाय।